अच्छा, नेक्स्ट है एडिटोरियल। एडिटोरियल जो है किसी भी न्यूज़पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एडिटोरियल बेसिकली जो है वो एक आर्टिकल होता है, लेकिन ये आर्टिकल जो है वो किसी भी जो है जो आजकल जो भी इशू चल रहा है वो हालात के मुताबिक किसी भी एक मौजू को लेके वो जो आर्टिकल लिखा जाता है वो न्यूज़पेपर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होता है, जिसको मोस्टली जो है वो एडिटर साहब लिखते हैं। तो दिस आर्टिकल इज़ कॉल्ड एडिटोरियल, जो कि एडिटोरियल पेज के ऊपर लिखा होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट है स्पेसिफिक वर्ड इज़ एम्बार्गो। एम्बार्गो क्या है? एम्बार्गो जो है वो किसी भी न्यूज़ सोर्स, यानी कि न्यूज़ कहीं से भी आ रही है, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही है, किसी भी इदारे की तरफ से आ रही है, तो वो उस इदारे की तरफ से किसी भी जहां उन्होंने न्यूज़ भेजी होती है, न्यूज़ जिस भी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल में उन्होंने न्यूज़ भेजी होती है, तो वो उस इदारे की तरफ से उस मीडिया हाउस को रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वाली जो न्यूज़ है आपने स्पेसिफिक डे के ऊपर ही चलानी है। यानी कि वो कुछ दिन पहले न्यूज़ भेज दी जाती है, लेकिन उनको जो है वो बताया जाता है, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने जो है ये न्यूज़ इस डेट को चलानी है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ डेफेमेशन। डेफेमेशन जो है ये किसी भी न्यूज़पेपर की तरफ से जो है ये एक अजाले के तौर पे न्यूज़ लगाई जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी रिपोर्टर से या किसी से अगर कोई न्यूज़ जो है वो उनसे गलत छप गई है बाई चांस, कि जिसमें किसी की जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट न्यूज़पेपर से गलती से लग गई है, तो क्या होता है कि अजाले के तौर पे कि वो अपनी गलती जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं न्यूज़पेपर में ही पब्लिश करके कि हमसे जो है वो पिछली न्यूज़ जो है वो गलती से लग गई थी, तो उसके अजाले के तौर पे जो है वो अगली न्यूज़ पब्लिश कर दी जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रीड। क्रीड जो है वो किसी भी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से किसी भी न्यूज़ रूम में जो न्यूज़ आती है वो टाइपराइटर के थ्रू आती है, तो वो जो स्पेसिफिक न्यूज़ है वो कहलाएगी क्रीड। क्रीड जो है वो न्यूज़ एजेंसीज की तरफ से आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज़ बैनर। बैनर हेडलाइन भी बोला जाता है इसको। बैनर न्यूज़ जो है वो कहलाती है, वो हेडलाइन कहलाती है जो कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो कि पूरे न्यूज़पेपर के आठ कॉलम में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इंग्लिश अखबार होगा तो लेफ्ट टू राइट और उर्दू अखबार होगा तो राइट टू लेफ्ट, कि वो पूरे अखबार में जो है वो बोल्ड जो है वो हेडलाइन होती है वो कहलाती है बैनर, और इसको स्ट्रीमर भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है बैलेंस। किसी भी न्यूज़पेपर को, इसमें ये नहीं होता कि कोई भी आपने न्यूज़ पेज तैयार करना है तो उसमें जो फ्रंट पेज है, बैक पेज है, हर पेज को जो है उसको प्रॉपर तरीके से जो है उसको अरेंजमेंट उसकी की जाती है। जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि इसमें बैनर न्यूज़ होती है, फिर उसके बाद बैनर न्यूज़ के बाद जो है वो नीचे उससे थोड़ी छोटी न्यूज़ लगती हैं, उसके अलावा अगर कोई कॉलम बच जाते हैं, कोई बॉक्सेस बच जाते हैं, उसमें छोटी न्यूज़ लगाई जाती हैं। तो प्रॉपर बैलेंस का मतलब ये है किसी भी न्यूज़पेपर को इस तरीके से अरेंज करना कि वो उसमें एक तवाज़न नज़र आए, कि अखबार जो है वो अजीब सा बेढंगा सा ना लगे, बल्कि ये ना हो कि छोटी खबर कहीं ऊपर लगी हुई है और फिर उसके बाद या फिर हेडलाइन जो है वो नीचे आ रही है, इस तरह से ना हो, बल्कि उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज से जो है वो हर चीज़ को, हर न्यूज़ को और हर तस्वीर को एक प्रॉपर खूबसूरत अंदाज के साथ लगाया गया हो, तो वो कहलाएगा बैलेंस। अब वो बैलेंस जो है वो सिर्फ फ्रंट और बैक पेज के लिए नहीं होता, बल्कि अगर सिटी न्यूज़ का पेज है तो उसमें जो है वो सिटी की न्यूज़ लगेंगी, उसमें भी उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज किया जाएगा कि उसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, जो बड़ी न्यूज़ हैं, उनकी हेडलाइन जो है वो ऊपर रहेंगी, जो थोड़ी सी छोटी हैं उनको नीचे लगाया जाएगा। इस तरह से प्रॉपर तरीके से अखबार की अरेंजमेंट जो है उसको बैलेंस कहा जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ब्रेक और जंप। ब्रेक होता है कि जैसे कि कोई भी न्यूज़ है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ अगर थोड़ी सी लेंथी है, उसकी हेडलाइन जो है वो तो आपकी फ्रंट पेज पे आ गई है, लेकिन एक पेज हमारे अखबार में आपने देखा होगा, अखबारात में कुछ पेजेस होते हैं क्या दो पेज जिसमें बकिया लिखे होते हैं, तो बकिया इसीलिए होते हैं कि पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो एक ही पेज पे नहीं आ सकती, बल्कि उसकी सिर्फ हेडलाइन और कुछ लाइंस जो हैं वो
पेज के स्टार्ट में होती हैं और जब उसको न्यूज़ को स्पेस देकर या जो ब्रेक देते हैं उसको ब्रेक कहते हैं, तो उसमें नीचे लिख दिया जाता है बकिया, और बकिया जब वो अगले कुछ पेजेस में होता है उसमें बकिया का नंबर भी लिख दिया जाता है और बकिया का सफ़ा भी लिख दिया जाता है, वो कहलाता है ब्रेक, या फिर इसको जंप भी बोला जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज ब्रॉडशीट। ब्रॉडशीट हम बेसिकली कहेंगे उस पेपर को जिसके ऊपर जो है वो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, जितनी भी न्यूज़ उस पेपर पे प्रिंट होंगी वो अगर खाली है और वो उसके ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है तो वो ब्रॉडशीट कहलाएगी, और अगर हम उसके ऊपर न्यूज़ पब्लिश हो जाएंगी तो वो न्यूज़पेपर बन जाएगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज बग। बग जो है बहुत सी आईटी में कुछ और होता है, बाकी लैंग्वेजेस में कुछ और होगा, लेकिन मीडिया में जो बग हम उसको कहेंगे कि कोई भी न्यूज़ जो है वो जिस रिसोर्स से आई है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जब लिख देंगे तो वो कहलाएगा बग। जैसे कि अगर एक स्टोरी जो है या एक न्यूज़ है उधर से एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान से आ रही है तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ के स्टार्ट में लिख देंगे APP, ब्रैकेट में लिख देंगे APP, तो दिस इज कॉल्ड APP इज कॉल्ड बग। बायलाइन, कोई भी आर्टिकल, स्टोरी या मजमून जिसके ऊपर राइटर का नाम लिखा होगा तो वो कहलाएगी बायलाइन। नेक्स्ट है हमारे पास कैच लाइन। कैच लाइन जो है वो किसी भी न्यूज़ के ऊपर जो शॉर्ट वर्ड्स लिखे जाते हैं, 2 or 3 words, उसकी निशानदेही के लिए, ताकि जब न्यूज़पेपर की अरेंजमेंट हो रही है, जब उसको स्टोरी को लगाना है तो उस वक्त ये ना पूरी न्यूज़ को ना पढ़ना पड़े, बल्कि सिर्फ उसके जो शॉर्ट 2-3 words ऊपर लिखे जाएंगे उससे जो है वो निशानदेही हो जाएगी कि ये जो है ये न्यूज़ इस चीज़ की है, तो इस न्यूज़ को हमने कहाँ लगाना है। तो बेसिकली ये शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो न्यूज़पेपर की अरेंजमेंट में जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये शॉर्ट वर्ड्स जो हैं वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक न्यूज़ आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई न्यूज़ है और उसमें जो है वो इस तरह से है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का ने खिताब किया है, या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई रिजल्ट्स आए हैं, कोई एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हुआ है उसके ऊपर न्यूज़ है, तो वो पूरी हेडलाइन को बार बार ना पढ़ना पड़े तो उसी न्यूज़ के ऊपर शॉर्ट सा लिख दिया जाएगा PU/convocation, PU/VC, PU/examination और etc.